ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। सो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट पे वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आई एम सॉरी, कुछ दो तीन दिन से बिल्कुल वीडियो नहीं आ रहा है और थोड़ा कम भी हो गया है वीडियो मेरे चैनल पे। कुछ काम थे, कुछ चीज़ें थी जिसको करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। सो ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था कि जान के डिले करना है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहूँ अपने चैनल पे और आप लोगों को प्रॉपर रीडिंग्स देते रहूँ, करते रहूँ अपनी तरफ से, कोई कमी ना आए रीडिंग्स में। क्योंकि ये फ्री रीडिंग्स होती हैं, एटलीस्ट जो पे नहीं कर सकते वो तो देख पाएँ, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग, और जितने आपसे रेजोनेट हो उतने ही अपने ऊपर लीजिएगा। और जो भी आज नए लोग जुड़े हैं या पुराने लोग हैं, देखते हैं रीडिंग्स, बट प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता है। और बाकी आप से एक और बात कहनी है कि पर्सनल रीडिंग्स फ्रेंड्स पेड होती हैं। कुछ लोग अभी भी आते हैं, कहते हैं मैम प्लीज़ कर दो। देखिए मुझे आपको मना करना बहुत अजीब लगता है, सो इस बात को समझें, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो माय डियर पाइसिस यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस नो कॉन्टैक्ट में मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, आप क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था। कार्ड लेते हैं, ठीक है। सो पाइसिस की एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है पाइसिस, आपने क्या स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, मजा आ गया आपकी रीडिंग देखकर आज। सो पाइसिस माय डियर फ्रेंड, बाहर आ गए आप अपने नेगेटिव जोन से, क्या जबरदस्त कार्ड आए हैं आपके लिए। तो पहली बात, अब आप बिल्कुल भी एक तो सैड, उदास, ट्रॉमेटिक जोन में नहीं है, आप हो मस्ती के जोन में, अपनी पावर के जोन में, हाई हो, हाई कहते ना कैसा है जोश सर, हाई सर। सो आपका हाई है जोश। नो कॉन्टैक्ट है, मेरे को पता है आपको दुख है, बट दुख को रखा है आपने साइड में, फोकस करने लगे हो खुद पे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो अपने आगे के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और भाई बहुत सीधे से कड़े रुख से जवाब दे रहे हो आप सामने वाले को, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या करेगा अगले एक हफ्ते में, आपने उसको एक ऐसा करारा जवाब देने वाले हो कि जितना उसने आपको परेशान किया था, जितना उसने आपको इरिटेट किया, आपकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट किया, आपके लव को समझा नहीं, कईयों को तो अबैंडन किया, अकेला किया, दुख दिया, आप सबका हिसाब बड़े तरीके से लेने वाले हो। हो सकता है कुछ लोगों का लीगल केस चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है, सामने वाले ने आपको प्रोवोक किया और आप अब काउंटर अटैक करने वाले हैं, हो सकता है। सो मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो भी हो पाइसिस, जो भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप तो हैप्पी हैं, आपने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हाई कर रखा है, आपने कहा जो मर्जी हो मैं तो खुश रहूँगी या रहूँगा। सो बी इन दैट पार्टी जोन, रोने वोने से कुछ नहीं चलता ये, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट है तो है यार, है, बट बी इन दैट हैप्पी जोन। आई रियली लाइक दिस पाइसिस, आपका कमबैक, मज़ा आ गया आज की आपकी रीडिंग देख के। देखते हैं जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज, देखते हैं उसकी इस नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स था, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द हर्मिट,
एक कार्ड और लेंगे, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो जहाँ तक आपने अभी तक उस पर्सन के आगे बहुत ज़्यादा आप ही परेशान हो रहे थे ना कि मैं क्या करूँ, अब वो पर्सन खुद सोचने पे मजबूर हो गया। जहाँ वो बहुत ज़्यादा स्टक था, उसे समझ नहीं आ रहा था चीज़ों में, तो अब उसे लगता है कि अब बराबरी का समय आ गया है, अब इक्वल करने का समय आ गया है। नहीं, ये नहीं पता कि पाइसिस भी इक्वल करना जानता है। वो सिर्फ मीन राशि पानी में बैठ के मछली तैरती नहीं रहती, मछली को सब खाने में ही लगे रहते हैं। मछली भी वेल मछली भी होती है, वेल भी फिश ही है, एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ फिश ही है। वैसे तो उसको मैमल बोलते हैं या और भी कुछ बोलते हैं, बट है तो फिश ही, चाहे बड़ी सी पानी में रहने वाली। सो वो भी तुम पर अटैक कर सकती है बदले में। तुम अब अपनी बैठ के हीलिंग करो, ये इंसान बैठ के अब अपनी हीलिंग कर रहा है। आपने इसको जो करारा जवाब दिया है या आप देने वाले हैं अगले एक हफ्ते में, बंदा बहुत हिल जाएगा, बहुत पीस ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ का पीस चला गया है। जब से आप अपनी पावर में आए हो और आप अपने आप को संभालने लगे हो ना, ये हिल चुका है, बैठ बैठ के सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे संभालूं खुद को। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस देखती हूँ क्या है। डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइसिस, फर्म फाउंडेशन, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, इमोशनल विड्रॉल। आया समझ कि आपने जो अपने आप को पहले ऐसी तैसी करा के अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली वनरेबल कर लिया था, हिला रखा था अंदर तक, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता था मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड देन आपने एक दिन एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे खुद को संभालना है इमोशनली। तो वो जो आपने खुद को संभाला है, जिन पाइसिस ने देखो संभाल लिया है, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी भी नहीं संभाला है, आपको डिवाइन कह रहा है अपने आप को इमोशनली बेकार की चीज़ों से विड्रॉ करो, जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपको खुश नहीं रखते हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाओ, उन लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे नो कॉन्टैक्ट वाले पर्सन से दूर हो जाओ जो आपकी वैल्यू नहीं करता। जो करता है उसके लिए तो करो ना, जो नहीं करता है, अपनी फाउंडेशन को फर्म बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद के ऊपर फोकस करो। और जितने भी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये आप में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आ रहे हैं, ये कोई आपको कमज़ोर नहीं बना रहे। आप अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी छलांग को मारने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, सो ये है पाइसिस आपकी रीडिंग। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ।